अलका लर्निंग होम। इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टैंडर्ड वन मैथ सिलेबस 2013-2023 की। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर वन में आता है नंबर्स अप टू 500। स्टैंडर्ड वन में बच्चों को हम नंबर 1 to 500 तक पढ़ा सकते हैं। अगर आपके बच्चे के स्कूल में नंबर 400 तक दिया जाता है या 300 तक दिया जाता है या 500 तक दिया जाता है, बच्चे के स्कूल के अकॉर्डिंग आप उसको नंबर पढ़ा सकते हैं। देन नंबर टू में आता है नंबर नेम अप टू 100। बच्चों को नंबर नेम मतलब नंबर नेम का जो स्पेलिंग होता है वो 100 तक के पढ़ाया जाता है। नंबर थ्री में एडिशन अप टू 99 तक की नंबर जो होता है हम एडिशन दे सकते हैं। देन सब्ट्रैक्शन अप टू 99 तक की सब्ट्रैक्शन भी हम बच्चों को करा सकते हैं। देन नंबर फाइव में आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में बच्चों को 1 to 5 तक की पढ़ा सकते हैं। अगर आपके बच्चे के स्कूल में 10 तक की मल्टीप्लाई जो टेबल होता है वो पढ़ाते हैं तो आप 10 तक की टेबल पढ़ा सकते हैं। और इसके 10 तक की टेबल के थ्रू जो क्वेश्चन आता है, जो मल्टीप्लाई आता है, वो हम नॉर्मली दे सकते हैं। जैसे 5 टेबल 3 टेबल 6 टेबल जितने तक की टेबल आपके बच्चे के स्कूल में पढ़ाया जाता है वो तक आप दे सकते हैं। देन नंबर सिक्स में आता है मोर देन एंड लेस देन। बच्चों को मोर देन और लेस देन के बारे में पढ़ाया जाता है। कुछ ओरली क्वेश्चंस पूछा जाता है, लाइक हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस बच्चों को पूछ सकते हैं, 1 more than 2, 1 more than 3, 2 more than 5 ऐसे हम कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या बच्चों को करने के लिए भी कॉपी में दे सकते हैं। नेक्स्ट नंबर सेवन ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर तो बच्चे ऑलरेडी यूकेजी में पढ़ चुके होते हैं, फिर भी और एक बार रिवीजन किया जाता है। 1 to 10 तक की ऑर्डिनल नंबर्स के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता है और कुछ क्वेश्चंस दिया जाता है। और कार्डिनल नंबर्स के बारे में पढ़ाया जाता है, ऑर्डिनल नंबर्स के बारे में पढ़ाया जाता है और इसका स्पेलिंग भी पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट टेंस एंड वंस अप टू 99 तक के टेंस एंड वंस के बारे में पढ़ाया जाता है। तो टेंस वंस में बच्चों को लाइक नंबर स्टार्ट फ्रॉम 20 to 29 हम स्टार्टिंग से ऐसे हम पढ़ा सकते हैं बच्चों को। लाइक नंबर काउंटिंग 1 से लेके हम 99 तक पढ़ा सकते हैं और इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। 2 tens + 6 ones = 10, 2 tens + 8 ones = 10 पहले हम बच्चों को इसके बारे में समझाया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है, फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चंस बना के बच्चों को दिया जाता है। लाइक 4 tens = 10 इस टाइप का क्वेश्चंस ओरली पूछा जाता है और करने के लिए भी दिया जाता है। लाइक 4 tens + 6 ones = 10 इस टाइप का क्वेश्चंस दिया जाता है। नेक्स्ट आता है नंबर नाइन ग्रेटर देन एंड लेस देन। बच्चों को ग्रेटर देन एंड लेस देन के बारे में ऑलरेडी यूकेजी में पढ़ाया जाता है, फिर भी क्लास वन में भी इसके बारे में पढ़ाया जाता है। यूकेजी में लेस देन और ग्रेटर देन पढ़ाते हैं और क्लास वन में भी पढ़ाते हैं, बट ये डिफ़र करता है बच्चों को यूकेजी में कहाँ तक के नंबर दिया जाता है और क्लास वन में कहाँ तक के नंबर दिया जाता है। जनरली बच्चों को 50 तक के नंबर यूकेजी में पढ़ाया जाता है, जो लेस देन ग्रेटर देन ये इक्वल टू ये सब होता है, बट क्लास वन में 100 तक के नंबर तक के पढ़ाया जाता है। तो इस टाइप का लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों को दिया जाता है प्रैक्टिस करने के लिए। नेक्स्ट आता है नंबर 10 असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। बच्चों को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी पढ़ाया जाता है, कुछ नंबर्स दिया जाता है और नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए अरेंज करके लिखना होता है, दिया जाता है बच्चों को अरेंज करके नंबर लिखना होता है। नेक्स्ट एडिशन ऑन अबाकस। बच्चों को जस्ट नॉलेज दिया जाता है अबाकस के बारे में, जैसे जो बीट्स होता है अबाकस में वो बीट्स को पहले बच्चे रिकॉग्नाइज करते हैं, कौन सी बीट्स का वैल्यू क्या है वो भी बच्चों को बताते हैं।
वंस प्लेस में जो बिट्स होता है ये वन वन इसका वैल्यू होता है, और टेंस प्लेस में जो बिट्स रहता है उसका वैल्यू टेन होता है। तो इसको बच्चे काउंट करते हैं, काउंट करके नंबर्स लिखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों को दिया जाता है। देन सबट्रैक्शन और अबाकस, अबाकस में सबट्रैक्शन भी किया जाता है बच्चों को। इस टाइप का बिट्स दिया जाता है और सबट्रैक्शन करने के लिए बोला जाता है। लाइक ऐसे बिट्स दिया जाता है और सबट्रैक्शन करने के लिए, लाइक फाइव माइनस टू, तो फाइव बिट्स यह दिया गया है तो इसमें से टू सबट्रैक्ट करना है, मतलब टू को क्रॉस करना है लेफ्ट थ्री बिट्स, तो यहाँ पर थ्री लिखना है। इस टाइप का बच्चों को प्रैक्टिस किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 13 शेप्स। बच्चों को शेप्स के बारे में भी स्टैंडर्ड वन में पढ़ाया जाता है, यूकेजी में शेप्स के बारे में पढ़ाया जाता है, बट कुछ एक्स्ट्रा शेप्स जो होता है वो क्लास वन में पढ़ाया जाता है। नॉर्मली यूकेजी में शेप्स जो होता है जैसे कि ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ये सब कोन, ये सब के बारे में पढ़ाया जाता है, बट क्लास वन में कुछ एक्स्ट्रा शेप्स होता है इसके बारे में पढ़ाया जाता है, लाइक कोन, क्यूब, क्यूबर्ड, सिलेंडर, और इसके थ्रू कुछ एक्टिविटीज़ भी किया जाता है। नेक्स्ट आता है पैटर्न्स। बच्चों को यूकेजी में पैटर्न्स पढ़ाया जाता है और स्टैंडर्ड वन में भी पैटर्न्स पढ़ाया जाता है। पैटर्न में इस टाइप का कुछ क्वेश्चंस दिया जाता है, कुछ पिक्चर बना के दिया जाता है जो बच्चों को कंप्लीट करना होता है, लाइक कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न्स बाय कलरिंग, बच्चों को कलरिंग करके करना होता है। पहला ये जो शेप्स कलरिंग हुआ है इसको देख के बच्चों को ये करना होता है। इस टाइप का पैटर्न्स दिया जाता है, नंबर में कुछ पैटर्न्स दिया जाता है, तो बच्चों को ये सब करना होता है। देन मेज़रमेंट भी पढ़ाया जाता है बच्चों को। सो मेज़रमेंट में बच्चों को हैंड स्पैन, क्यूबिट, फुट स्पैन, ये सब पढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ बच्चों को जैसे कंपेयरिंग वेट्स वो पढ़ाया जाता है, और इसके थ्रू कुछ एक्टिविटीज़ दिया जाता है, कंपेयरिंग कैपेसिटीज़ ये पढ़ाया जाता है मेज़रमेंट में, और इसके थ्रू कुछ एक्टिविटीज़ बच्चों को करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट टाइम, बच्चों को टाइम के बारे में भी पढ़ाया जाता है। यूकेजी में बच्चे टाइम के बारे में जानते हैं, बच्चे कुछ एक्स्ट्रा जो होता है इसके बारे में बच्चों को स्टैंडर्ड वन में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट इज मनी, बच्चों को मनी के बारे में भी पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट नंबर 18 डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग में बच्चों को इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है, कुछ पिक्चर दिया जाता है, और बच्चों को पिक्चर को देख के क्वेश्चन का आंसर देना होता है, लाइक व्हिच एनिमल इज द मोस्ट इन नंबर, यहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं इसको देख के बच्चों को ये जो क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। सो टोटली ये जो होता है ये था स्टैंडर्ड वन का सिलेबस। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो में मैं ये जो स्टैंडर्ड वन का मैथ जो होता है इसका सारा एक्टिविटीज़ और सारा वर्कशीट बना के मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ, वो वीडियो आपको मिल सके, वो वर्कशीट आपको मिल सके। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।